थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, समय दिया आपने। अब हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आज हमारे साथ कॉर्पोरेट चैट में सी एट की मैनेजमेंट के तौर पर सौरभ मुखर्जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं बोल सकता हूँ कि आपके लिए अच्छा और बुरा शायद पिछला वाला क्वार्टर रहा होगा। अच्छा क्वार्टर इसलिए कि आप जब गाड़ियों के सेल्स देखते होंगे आपका मन करता होगा वाह क्या शानदार सेल्स के नंबर है, हमारा तो बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा। आपको लगता होगा कि बैलेंस शीट पे प्रॉब्लम आएगी। सर ज्यादा अच्छा था पिछला वाला क्वार्टर या ज्यादा मुश्किल भरा वाला था? देखिए पिछला क्वार्टर फ्रॉम सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू इट वाज अ गुड क्वार्टर। अगर आप क्वार्टर वन देखेंगे हम लोग वी हैव बीन द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, राइट, हमारी ग्रोथ इंडस्ट्री में सबसे तेज रही है। And you're right, in terms of margins, पिछले कुछ quarters से हम लोग there has been pressure on margins, थोड़ी सी struggle चल रही है और ये quarter two में भी I expect the same struggle to continue. But yes, from top line point of view, it was a good quarter. ठीक है। अच्छा सर मैं एक चीज आपसे और पता करना चाहता हूँ। अब मैं थोड़ा forward looking हो रहा हूँ, मैंने पिछला quarter का आपसे पता कर लिया, मैं थोड़ा forward looking हो रहा हूँ। अब आपको ये लगता है कि जिस तरह के नए मॉडल्स आए हैं, ई व्हीकल्स भी आ रहे हैं, पूरा क्लासिकल व्हीकल्स भी है मार्केट के अंदर अवेलेबल है, सेल्स अच्छी चल रही है, डिमांड में कोई दिक्कत नहीं है, आपके मार्जिन्स में सुधार भी दिखेगा कॉमोडिटीज के नीचे आने से और रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी दिखेगी, ये कम से कम 2 या 3 क्वार्टर में मेरे को दिखेंगे सर? देखिए पिछले कुछ क्वार्टर से रॉ मटेरियल कॉस्ट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है और वी हैव बीन टेकिंग प्राइस हाइक अकॉर्डिंगली टू मैनेज पार्ट ऑफ इट। क्वार्टर टू में हमारा जो एस्टिमेट है 3% कॉस्ट ऊपर जाना चाहिए रॉ मटेरियल का एंड हेंस प्राइस हाइक विल कंटिन्यू। जो आप रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस की मॉडरेशन की बात कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट आते आते क्वार्टर थ्री का अंत हो जाएगा। सो माइट बी एंड ऑफ क्वार्टर थ्री वी माइट सी स्लाइटली बेटर सिनेरियो बट नॉट टिल परहैप्स फर्स्ट हाफ ऑफ क्वार्टर थ्री ऑल्सो। बिल्कुल, आपके रेवेन्यू ब्रेकअप को अगर सेगमेंट वाइज देखें तो एक्सपोर्ट और ओएम के मुकाबले रिप्लेसमेंट से 56% के यहाँ पर आउटकम्स आते हुए दिखे हैं, तो क्लियरली यहाँ आउट परफॉर्मेंस रिप्लेसमेंट से हैं। रिप्लेसमेंट मार्केट की ग्रोथ को आप कैसे देख रहे हैं, आगे ग्रोथ को लेकर क्या नज़रिया है, क्योंकि हमने ऑफकोर्स FY21 में इसे एक श्रिंकिंग मोमेंटम के तौर पर देखा था, वहाँ से संभलता हुआ ज़रूर दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल सेल्स का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आगे यहाँ पर आप देख रहे हैं? देखिए as I said quarter one has been a very strong good quarter for us from top line point of view. जैसे मैं देखता हूँ अगला 2 quarter, quarter two will be moderate because of seasonality, different factors, monsoon comes in. Also in two wheelers rural market demand thoda sa tepid at this point because of strong heavy monsoon, but the good part is jab monsoon acha hota hai to agle quarter mein uska impact aata hai as the economy bounce back karti hai and we are very hopeful that the segment two wheeler which is our leadership segment it will come back in quarter 3. Even PCR demand has been flattish over last you know ek do quarter mein, but with OEMs manufacturing more I expect PCR also to look up in the quarter 3 and jab ye festivity ka onset aayega there will be a normal buoyancy in the market, so I expect both these segments to do well in quarter 3. राइट मिस्टर सौरभ, रिप्लेसमेंट मार्केट तो खैर आपकी बड़ी मार्केट है, हम स्क्रीन पे दिखा भी दे रहे हैं आपका स्प्रेड कि आप एक्सपोर्ट लगभग 10% आपके वॉल्यूम जो है वो एक्सपोर्ट होते हैं, ओईएम में आपका लगभग 20% तक का हिस्सा है और रिप्लेसमेंट मार्केट सबसे बड़ी है, लेकिन एक्सपोर्ट्स किस तरह से ग्रो होंगे? हमने देखा अक्रॉस द कंट्रीज इनफैक्ट पेंट अप डिमांड देखने को मिली है ऑटो सेगमेंट में और इनफैक्ट अनमेट डिमांड भी देखने को मिली है, तो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स और एक्सपोर्ट पर क्या गाइडेंस होगी आपकी? Last year, I'll start with last year, it was a good year for us in exports, right? And exports have been growing well, thanks to some tailwinds last year. However, if I look at now, because of multiple geopolitical disturbances, the export market is kind of slightly moderated as I look at quarter one also, and similar outlook for quarter two. So the market potential is there, market potential hai, hamara network hai. We work in more than 100 countries there, but currently Europe mein there is a kind of a worry about recession setting in, so which is leading to some kind of a sentimental pushback on products. So I would my view would be export market will be almost similar as quarter one in quarter two as well, right? But the potential is there.
एंड यूरोप एंड यूएस शुड बाउंस बैक फास्टर Q3 ऑनवर्ड्स। सौरभ एक एक सवाल है और थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल भी है एक्चुअली। पहले तो मैं एक बार जरा डेट और कैपेक्स की पोजीशन आपसे पता कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है शायद आपका डेट स्लाइटली इंक्रीज हुआ है। एक तो मेरे को इसके बारे में जरा क्लियर कीजिएगा, और दूसरा कैपेक्स के आपकी क्या योजनाएँ हैं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि क्या सीएट अपने टायर्स किराने स्टोर पर भी बेचना चाहता है, ऐसी योजना भी है क्या कुछ आपकी कि किराना स्टोर पर भी आप सीएट के टायर खरीद लेंगे आप? So I'll start with capex. See, we have been investing on capex in last three four साल we have been investing hugely on capex to build capacity. देखिए इस इंडस्ट्री में अगर मार्केट शेयर गेन करना है कैपेसिटी जरूरी है, और अभी हमारे पास सारे कैटेगरीज में सफिशियंट कैपेसिटी है। सो यस कैपेक्स स्पेंड्स हैज बीन गुड, बट मोस्टली वी आर डन विद द कैपेक्स स्पेंड्स इन लास्ट 3 years। कमिंग टू किराना स्टोर्स, see in two wheelers our apna objective jo hai that is to go deeper and nearer to the consumer. Hum jitni nazdeek pahunchenge consumer ke two wheelers mein hamari taakat utni badhegi. We started this distribution setup, humne last one decade 10 saal se apne distribution majboot kar rahe hain, aur aaj kareeb 50,000 sales point hai Seat ka pure country mein. So any town jiska population 10,000 से ऊपर है वहां पे सीएट की प्रेजेंस है, और हमारा एम्बिशन ये है कि हम इस साल तक 10,000 तक का पॉप स्टार्टर कवर करें। अब उसमें क्या होता है, कुछ विलेजेस में जैसे हम देखते हैं कि 5-7 विलेज है लेकिन वहां पे कोई टायर सेलर नहीं है, सो देयर वी अप्रोच द मोस्ट अवेलेबल आउटलेट विच इज द किराना आउटलेट, राइट? सो वी एनकरेज हिम टू स्टॉक टायर्स, और उस तरह से हम टायर्स की अवेलेबिलिटी एनकैश करते हैं उस कस्बे में। So basically, not only Kirana, as we expand more into the rural hinterlands, Kirana outlet, spare parts outlet, OE authorized service center, and puncture repair shop, ये सारे हमारे network में शामिल हैं, और हम इस पे और आगे बढ़ेंगे। सौरभ शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने कारोबार से जुड़े सारे के सारे plans, strategy और रिजल्ट पर स्पेसिफिकली हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए, आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। हैव अ नाइस डे टू यू। तो चलिए यहाँ पर टायर सेगमेंट से जुड़ी कंपनी सीएट के मैनेजमेंट से हम बात कर रहे थे। स्टॉक में करीब 0.5% की तेजी के साथ टायर स्टॉक्स में इन दिनों मोमेंटम काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहा है, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं।